हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी प्लेलिस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक का एक सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे कि कौन से रंग की कैंडल को क्या बोला जाता है, उसका नाम क्या होता है, कैंडल कहाँ से ओपन होती है और कहाँ क्लोज होती है। स्क्रीन पर आपको दो कैंडल दिखाई दे रही हैं, इससे ये पता चलता है कि कैंडलस्टिक दो रंग की होती हैं, एक ग्रीन और एक रेड। तो चार्ट में दो प्रकार की कैंडल बनती हैं, एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की। तो इस कैंडल में जो सबसे ऊपरी भाग है, यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई देती है, तो इसको विक्स कहा जाता है। इसका ये मतलब है कि ये कैंडल विक्स तक ऊपर गई थी या विक्स की जो अंतिम छोर है वहाँ तक इसने मूवमेंट किया था, तो इसको विक्स बोला जाएगा। और इस विक्स का जो ऊपर की तरफ दोनों कैंडल में ऊपरी भाग है ये हाई होगा और इस विक्स के नीचे की तरफ का जो भाग है ये लो होगा। तो एक कैंडल हाई से लो तक मूवमेंट करती है, यानी जहाँ तक वो ऊपर जाती है तो उसका एक हाई पॉइंट है और जहाँ तक नीचे जाती है तो वो उसका एक लो पॉइंट है। तो ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल स्टिक या तेजी की कैंडल बोला जाएगा और रेड कैंडल को बीरिस कैंडल स्टिक या मंदी की कैंडल बोला जाएगा। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं कि बॉडी जो होती है कैंडलस्टिक पैटर्न का जो एक बीच का भाग होता है जिसमें कलर फील होता है ये बॉडी होती है। और इस जो कैंडल की आरी कैंडल है, जो ग्रीन कैंडल, ये ऊपर की तरफ से ओपन होती हैं और रेड कैंडल नीचे की तरफ से ओपन होती हैं। तो हरी कैंडल नीचे की तरफ से ओपन होती है इसलिए इसका जो ओपन होता है वो नीचे की तरफ होता है और ऊपर जाके ये क्लोज होती है इसलिए इसका क्लोज ऊपर की तरफ होता है। इसी प्रकार जो रेड कैंडल है वो ऊपर की तरफ से ओपन होती है, इसका ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। तो इसका ओपन हाई और लो था। अभी देखते हैं कि कैंडल जो होती है वो तीन प्रकार की बन सकती हैं। एक लॉन्ग कैंडल स्टिक बनती है, यानी कि बहुत लंबी कैंडल बनती है। दूसरी प्रकार की जो कैंडल होगी वो एक मीडियम साइज की कैंडल हो सकती है। और तीसरी प्रकार की जो कैंडल होगी उसको हम स्मॉल कैंडल बोलेंगे, यानी कि सबसे छोटी कैंडल होती है। तो अब हम कैंडल स्टिक को चार्ट में भी समझते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं, यहाँ पर एक कैंडल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, तो यहाँ पर एक कैंडल जो बन रही है ये एक रेड कैंडल बोलेंगे और इसका जो नाम है ये बीरिस कैंडलस्टिक है। दूसरे प्रकार की ये जो कैंडल होगी ये आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर की है, तो ये एक बुलिश कैंडल स्टिक है और ये लॉन्ग कैंडल भी है। और दूसरी और बात करें हम, तो ये देखिए, यहाँ पर एक इस तरह की जो कैंडल होगी ये एक मीडियम कैंडल है, ये ना तो लंबी है और ना ही ज़्यादा छोटी है, तो इसको हम मीडियम कैंडल बोलेंगे। और दूसरी तरफ एक कैंडल हमने बात की थी कि स्मॉल कैंडल, तो ये देखिए आपको, ये एक स्मॉल कैंडल है और ये जो है ग्रीन कलर की है। और ये दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए ये रेड कैंडल की, रेड कलर की जो कैंडल है ये भी स्मॉल कैंडल है। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आपको कैंडल स्टिक के बारे में सामान्य रूप से पता चला होगा कि कैंडल का हाई कौन सा होता है, लो कौन सा होता है, कैंडल ओपन कहाँ से होती हैं और क्लोज कहाँ होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो चार्ट में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि, तो फ्रेंड्स ये जो एक कैंडल की अगर बात करें तो ये कैंडल यहाँ से देखिए आप ओपन होती हैं और ये जो कैंडल होती है यहाँ पर जाके क्लोज होती है। तो ये इसका ओपन हुआ और ये इसका क्लोज हुआ। और इसके हाई की बात करें तो इस कैंडल यहाँ तक मूवमेंट किया तो ये इसका हाई होगा और इस कैंडल का जो लो पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका लो होगा। इसी प्रकार एक ग्रीन कैंडल का भी उदाहरण ले लेते हैं। ये कैंडल देखिए यहाँ से इस पॉइंट से ओपन होती है और ये कैंडल इस पॉइंट तक जाती है, यानी इसका ये हाई होता है और वापस आ करके और यहाँ पर ये क्लोज होती है तो ये इसका क्लोज होता है। और इस कैंडल की अगर लो की बात करें तो इसका लो होता है। इस प्रकार एक कैंडल में चार मुख्य रूप से पॉइंट होते हैं, लो, हाई, ओपन और क्लोज़।